तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली जीएस में। तो सिंपली जीएस में आप जो अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आर्गुमेंट पैरामीटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और कॉलिंग फंक्शन क्या होते हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है स्विच केस के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग को आप एक्सेस करके उसमें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को जो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कमेंट बार बार मत भूलवाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड व्हेन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ में भी बहुत आसानी से आएगा। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। अभी तक अपन ने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अभी ये फंक्शन ब्लॉक होता है, जैसे ये जो है ना पूरा प्रोग्राम फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, रिटर्न अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप इस सिंटेक्स से तो कम से कम फेमिलियर हैं। फंक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस सिंटेक्स के साथ तो फेमिलियर है। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। ब्लॉक क्या होते हैं, इस जो बना देखा गया ना, ये इंडिकेट करता है कि ये ब्लॉक है, ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है, मेन फंक्शन का ब्लॉक है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कि पूरा प्रोग्राम ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर सी प्रोग्रामिंग का रहता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो डिमांड करता है कि अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को तो आपको रखना ही पड़ेगा। कोई आप दूसरा फंक्शन रखो या मत रखो, लेकिन पूरा प्रोग्राम ही आपको मेन फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। तो मेन अपने आप में ये फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप अपन ने यहाँ पर इंटीजर किया है। अब कुछ सी बात है, रिटर्न टाइप अपन दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने इंटीजर किया, इसीलिए जो वैल्यू है वो रिटर्न के लिए जीरो। तो रिटर्न टाइप पहले देख लेते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो, क्या हो, किस तरीके से। ठीक है, तो देखो void का मतलब क्या हो गया, null और empty। यानी कि अगर आप यहाँ पे void लिखते हैं तो यहाँ पे आपको return zero लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अगर integer मिटा दूँ और यहाँ पे void लिख दूँ तो यहाँ पे return zero लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, तो इसलिए इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और उसके बाद ये पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। अगर ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि अभी तक अपने इंटरमेंट पढ़ रहे थे तो वो ही वैलिड है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको अपन फॉलो करेंगे तो आसानी से चीज़ें होती रहेंगी। तो ये वर्ड अपन लिख सकते हैं, तो वर्ड क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं रहती। रिटर्न टाइप वर्ड है, लेकिन वो नल या एम्प्टी में गिना जाता है, वो खाली जाता है, उसमें किसी भी तरीके से कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अपन ने इंट किया था, अभी इंट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ रिटर्न जीरो यहाँ पे आप रिटर्न करते हैं। बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं।
ए प्लस बी कर सकते हैं, बी प्लस सी, अगर कोई मतलब दो तीन वेरिएबल है तो डायरेक्ट वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, उनका एडिशन रिटर्न कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन रिटर्न करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो रिटर्न अपन करते हैं, कॉलन लगाते हैं, रिटर्न के बाद कॉलन लगाना जरूरी है, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, जिससे आप एरर से बच सकें, ठीक है। कैरेक्टर क्या करता, अगर जैसे यहाँ पर कैरेक्टर होता तो अपन जीरो रिटर्न नहीं कर सकते थे, पर कोई ना कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग रिटर्न, अल्फाबेट या स्ट्रिंग, अल्फाबेट या स्ट्रिंग अपने को रिटर्न करनी पड़ती, यानी कि आप जो भी चीज रिटर्न करते जो भी चीज आप रिटर्न करेंगे वो सिंगल कोट्स या डबल कोट के अंदर होगा, जो भी चीज आप रिटर्न करेंगे वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर होगा, अगर वो कैरेक्टर उसका सॉरी अगर उसका रिटर्न टाइप क्या है कैरेक्टर, ये सारे क्या बोला जाता है उनको रिटर्न टाइप, उनका रिटर्न टाइप अगर कैरेक्टर है तो रिटर्न में जो वैल्यू जाएगी उसके अंदर सिंगल या डबल कोट्स का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। फ्लोट में और इंटीजर में कुछ खास अंतर होता नहीं है रिटर्न टाइप के, उसमें देखो क्या होता है कि वैल्यू इसमें भी रिटर्न होती है, फ्लोट में जीरो, जैसे इंटीजर में जीरो रिटर्न होती है तो फ्लोट में भी कोई ना कोई वैल्यू ही रिटर्न होती है, वो भी डेसिमल और उससे मतलब नंबर से मिलकर बनी रहती है, बस उसमें डेसिमल होते हैं और इंटीजर में डेसिमल नहीं होते हैं, इतना आसान डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे अपन कोई भी अगर जैसे 2.37 हो गया, 4.45 हो गया, अगर किसी वेरिएबल के अंदर फ्लोट वेरिएबल अपने डिक्लेयर कर दिया है तो उसका अपन डिक्लेयर को वो रिटर्न किया जा सकता है, पर इसके अंदर जो टाइप कन्वर्जन मैंने आपको बताया था इंटीजर टू फ्लोट और फ्लोट टू इंटीजर, वो भी इसके अंदर वैलिड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रिटर्न टाइप, शुरुआत अपने कैसे रिटर्न टाइप समझ में आ गया। अब ये क्या है, मेन क्या है आप ये समझते हैं सबसे पहले कि फंक्शन ये क्या है, नेमिंग ऑफ फंक्शन है, नेम ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का नाम ही उसकी पहचान होता है, किसी भी फंक्शन का नाम ही उसकी पहचान होता है, उसी नाम से उसको कॉल किया जाता है, कॉल करने का मतलब उसे बुलाया जाता है, उसके अंदर फिर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं फिर वो ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। पहले और ए क्या था, ए तो डबल पैरेंथेसिस लगे हुए हैं ना, ए इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेन है किसी भी वेरिएबल का नाम भी तो रख सकते हैं, मेन रख सकते थे ना, मेन अगर कोई वेरिएबल जैसे सागर वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, राधे रख सकते हैं, श्याम रख सकते हैं, राम श्याम कुछ भी रख सकते हैं, तो मेन भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसको मालूम कैसे पड़ेगा मेन फंक्शन है, मेन हमारा फंक्शन ही है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा ये पैरेंथेसिस, किसी भी नाम या किसी भी वेरिएबल के आगे आप एक दो पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो सी का कंपाइलर ये समझता है कि ये हमारा फंक्शन है। अब वो किसी के भी आपका नाम जैसे प्रदुम है, धर्म, ध्रुव है, यज्ञेश है, विजय है, धीरज है, निशित है, कुछ भी नाम है अगर आपका, तो आप अगर ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं अपने नाम के आगे, वेरिएबल जैसे अपने अपने नाम का बना लिया और उसके नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा लिए तो कंपाइलर को ये मालूम पड़ जाएगा इस नाम का ये फंक्शन है, और जब तक आपने इस पैरेंथेसिस को नहीं लगाया तब तक वो आपको फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। बोलते हैं ना कि जब तक जॉब नहीं लगी तब तक इंसान को इंसान मानते ही नहीं, मतलब रिश्तेदार वगैरह के अंदर जो होते रहते ना चूजले, तो जैसे अगर जब तक ये पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे तब तक कंपाइलर को ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अपना जो नाम है या जो वेरिएबल है वो ये फंक्शन बन चुका है, या फिर आप ये इसकी जगह पर फंक्शन बनाना चाहते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते, फंक्शन बनाना चाहते हैं, बताने के लिए इसको ये पैरेंथेसिस लगाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब ये क्या होता है, ये दोनों हर बार में जब भी सिंटेक्स लिखता हूं, मेन फंक्शन लिखता हूं, ये दोनों क्यों लगा देता हूं,
एक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या है। वैसे इनको मैथमेटिकल उसमें बोला जाता है करली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है करली ब्रैकेट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको बोला जाता है ब्लॉक, क्या बोला जाता है ब्लॉक। ये लिख लेना कि ब्लॉक ऑफ कोड, इसीलिए बोला जाता है कि फंक्शन जो होता है फंक्शन हमेशा ब्लॉक ऑफ कोड में काम करता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में काम करता है, क्योंकि हर फंक्शन कोई भी फंक्शन सी प्रोग्रामिंग का हो, जावा स्क्रिप्ट का हो, पाइथन का हो, जावा का हो, सी प्लस प्लस का हो, किसी का भी फंक्शन है, ये दोनों ब्रैकेट उसके अंदर लगाना कंपलसरी है, ये दोनों ब्रैकेट उसके अंदर लगाना कंपलसरी है। ये दोनों ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं, उसे पहचानते हैं कि हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है, इस जगह पे ख़त्म हो रहा है। अगर जैसे मान के चलिए आपका एक घर है, घर है, घर में कहीं तो शुरू होता है कहीं पे ख़त्म होता है, हर घर एक आपके घर के बगल से वो भी कहीं से शुरू हो रहा है वहीं वो भी कहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो हर घर को एक फंक्शन अपने यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है, तो कहीं एक किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ एक पॉइंट पर वो खत्म हो गया, उन दोनों का रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉक ऑफ कोड करली ब्रैकेट की, उसको समझाया जाता है कि ये यहाँ पे करली ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ से हमारा घर शुरू हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन शुरू हो गया, इस जगह पे करली ब्रैकेट बंद हो रहा है, इस जगह पे हमारा घर खत्म हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कितने भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कितना भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक घर के अंदर एक मंजिला ही बना सकते हैं, उसको दो मंजिला भी बना सकते हैं, तीन मंजिले भी बना सकते हैं, सीढ़ी अपन अपने हिसाब की लगा सकते हैं, किसी के घर में अगर फ्लोर जो है वो प्लस्तर वाला होता है, किसी के घर में फ्लोर बिना प्लस्तर का होता है, तो जो चेंजेस रहते हैं उससे ही चेंजेस फंक्शन के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे एक घर के अंदर अलग अलग वेराइटी रहती है, उसी भी एक फंक्शन के अंदर हर प्रकार की वेराइटी रह सकती हैं, जैसे इफ एल्स की, इफ एल्स भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, स्विच केस भी यूज कर सकते हैं, और फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, समझेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको जो सी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज चल रही है, एक स्टेटमेंट फंक्शन किस तरीके से लिखाया जाता है वो सब समझाएंगे, बाकी के फंक्शन के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो सारी उसकी तो दूसरी प्लेलिस्ट बनेगी, प्रॉब्लम्स इन सी लैंग्वेज, उसके अंदर बहुत बढ़िया शानदार प्रॉब्लम होगी और आपकी सी लैंग्वेज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इस जगह से फंक्शन का काम शुरू होता है, इस जगह पे उस फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, और इन दोनों ब्रैकेट को बोला जाता है करली ब्रैकेट। आई होप आपने ये रिटर्न डाट लिख लिए होंगे, इतना जान गए, अब समझते हैं कि इसमें किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, मतलब फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक खाली फंक्शन बना रहा है, इसका रिटेंडर क्या ले रहा है, void, ये खाली है बोलते, इसमें चलो आप यहाँ पे आप आपके नाम का वेरिएबल वो बनाते हैं, बोलते यहाँ पे मैं अपने नाम का बना रहा हूँ, आप अपने नाम का बना सकते हैं, सागर नाम का फंक्शन, पहले तो नाम था केवल एक वो था शब्द था, लेकिन जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस लगाया एक वो इसको कंपाइलर का मालूम पड़ जाएगा सागर नाम का फंक्शन बन चुका है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी अपने को देना पड़ता है जिससे इंडिकेट होता है ये रिटर्न टाइप है और ये अपना फंक्शन है, इस नाम का अब फंक्शन कहाँ से यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बीच के अंदर अपन ने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है, क्या
क्या प्रिंट करा रहा है? सागर। क्यों? सागर का फंक्शन है, सागर ही प्रिंट होगा ना। लेकिन एक बात बताओ, इस फंक्शन है कंपाइलर केवल इसको एग्जीक्यूट करता है, इसको नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम कि सागर, बस उसको ये मालूम है कि सागर फंक्शन किसी ने बना दिया है, उसके अंदर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि कंपाइलर के अगर जब तक तुम उस फंक्शन को बुलाओगे नहीं, हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम उस फंक्शन के अंदर जो मौजूद स्टेटमेंट है, कुछ भी उसके अंदर है, मैं उसमें से किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप बोलो इस फंक्शन को कॉल करो, तब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है? फंक्शन कॉल इस तरीके से किया जाता है, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने सागर को कॉल कर दिया। सागर को जो यहाँ पे डिफाइन किया, जिस फंक्शन को यहाँ पे बनाया, उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल और कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। क्या किया? उस फंक्शन का नाम लिख दिया, पैरेंथेसिस लगा। पैरेंथेसिस किस लिए लगा? क्योंकि इसने इंडिकेट करना है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें पैरेंथेसिस एक सेमी कोलन लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो गया। तो यहाँ पे इसको ये मालूम पड़ गया कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट कर रहा है और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम की मदद से समझ जाएंगे इस तरीके से क्या हो रहा है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपने वैल्यूएबल बातें जो भी आपको बोलना है वो कमेंट के जरिए बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आके बातचीत भी कर सकते हैं। अभी केवल एक नेमिंग ऑफ फंक्शन और उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है, किस तरीके से करना है ये चीज़ अपन देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में पैरामीटर क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो जान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से बनाते हैं? अमेरिका। अमेरिका के नाम से फंक्शन बनाते हैं, जिसका डेटा टाइप भी वॉइड रखते हैं, खाली। अब अगर ऐसा केवल ऐसा कर देंगे ना, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इसका करना क्या है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको लगाया। अब इसको मालूम पड़ गया फंक्शन, ठीक है। अपन ने यहाँ पर खोल दिया, यानी कि फंक्शन का काम यहाँ से शुरू हो गया। फिर से अपन प्रिंट एफ करवा रहे हैं स्टेटमेंट क्या। अच्छा वैसे यहाँ पर केवल प्रिंट एफ तो उसमें भी करा दिया, जैसे थोड़ा और चेंजेस करते हैं ना, थोड़ा चेंज करते हैं। अपन इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस नाम से अपन को करना है वो नाम से करेंगे, मेरा फंक्शन मैं अपने नाम से कर दूँ, जिस नाम से करना है उस नाम से करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो परफॉर्म करा रहा है अपन, एक एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पिछली वीडियो पिछले जो प्रोग्राम था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो स्टेटमेंट है केवल एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे कितने? एक दो तीन चार स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मालूम पड़ गया एक फंक्शन के अंदर कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है।
ये चीज पॉइंट है, मतलब फंक्शन के जो पॉइंट होते हैं वो अपने को टीचर वगैरह लिखवा दें, यहाँ पे भले ही मैं लिखवा ना हूँ लेकिन आप उसको एनालाइज कर लेना, एनालाइज करके समझ में आ जाएगा कि इतने किसके पॉइंट इतने बन सकते हैं। तो एक कितने भी इसके स्टेटमेंट हो सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं केवल स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसा स्टेटमेंट नहीं, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, अपने इसके अंदर कैलकुलेशन भी परफॉर्म करी है। तीसरा पॉइंट यह है कि फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकती है, फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकती है। ये अपन ने ऑपरेटर यूज करा, ये भी ऑपरेटर यूज किया, तो ये चौथा पॉइंट क्या बनेगा, ऑपरेटर भी हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ऑपरेटर इन ऑल फंक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट हो गए फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अपन ने यूज किया प्रिंट एफ फंक्शन, वो इस लाइब्रेरी के अंदर रहता है एडम वाले, प्रिंट फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन अपन यूज कर सकते हैं। इसको अपन बेसिकली रिकर्सन बोलते हैं, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लेक्चर में, लेकिन ये चीज़ आप लिख लो, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन अपन यूज कर सकते हैं और उसको अपन रिकर्सन भी बोला जाता है। ठीक है, तो केवल एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसकी मदद से अपन ने चार या पांच पॉइंट निकाल लीजिए, चार या पांच पॉइंट निकाल लिए। आज जब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो और बेहतर देंगे। अब अपन क्या करना है, अमेरिका को कॉल करना है। कैसे करेंगे, अमेरिका लिखा, दो पैरेंथेसिस लगाए और कर वो लगा दिया सेमी कोलन, एक क्या हो गया, अमेरिका कॉल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को कॉल करना। क्या किया अपन ने, एक इंडिकेट करता है फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, फंक्शन को। जो अभी चीज़ें जो अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग सकती है, लेकिन कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल सी बात है, आसानी से कर लेंगे अपन। ठीक है, और बस बढ़िया कोर्स बढ़िया बन गया अपना, बढ़िया। अपन अगली वीडियो में आप मिलेंगे उसके साथ, और मेरा अगर आप वन टू वन का कोर्स लेना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज का वन टू वन का कोर्स आपके लिए अभी अवेलेबल है, केवल 50 लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मेरा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ पूरी डिटेल में पूछ सकते हैं, कैसे क्या पढ़ाऊँगा क्या करूँगा, इसके आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी जब, चलो अभी इसको चलने दो, अगली वीडियो के अंदर और डिटेल में फंक्शन को पढ़ेंगे। लव यू, बाय बाय, थैंक यू।